अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द धोखा देने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा भी धोखा देने वाली भाषा है, जिसमें से आप बहुत सारे अर्थ समझ नहीं सकते। दुनिया में ये अकेली भाषा है अंग्रेजी जो सबसे ज्यादा धोखा देती है। बहुत सारे उदाहरण मैं उसके दे सकता हूं। मैं अगर अंग्रेजी में कहूं कि ये व्यक्ति सन इन लॉ है, तो क्या अर्थ निकालेंगे आप? मैं कहूं कि कोई व्यक्ति आपका या मेरा सन इन लॉ है, सन इन लॉ, क्या मतलब है इसका? या तो जीजा होगा या तो साला होगा, यही अर्थ है ना। लेकिन अंग्रेजी में दोनों हैं, जीजा भी है साला भी है। मैं अगर हिंदी में या मराठी में कहूं कि ये जीजा है, तो एक मिनट में आपको समझ में आएगा ये बहन का पति है। अगर मैं ये कहूं कि ये साला है, एक मिनट में समझ में आएगा बहन का भाई है। सन इन लॉ, जीजा भी होगा साला भी होगा, समझ में नहीं आएगा ये है क्या। अंग्रेजी भाषा ऐसी धोखा देने वाली भाषा है। अगर किसी को ये कहें कि ये फादर इन लॉ है, ये नहीं समझ में आएगा कौन सा है, इधर वाला है कि इधर वाला है, लड़की वाला है कि लड़के वाला है फादर इन लॉ। फिर ये कहा जाए मदर इन लॉ है, नहीं समझ पाएंगे आप लड़की वाली है कि लड़के वाली है, वो दोनों ही हो सकती है। सिस्टर इन लॉ, बिल्कुल नहीं पता कर पाएंगे कि आप ये है कौन सा रिश्ता सिस्टर इन लॉ। ऐसे अंग्रेजी में हजारों शब्द हैं, और ये शब्द अंग्रेजी में हैं उन विद्वान लोगों के द्वारा बनाए गए जो अंग्रेजी के बड़े महान विद्वान माने जाते हैं। भाषा ही पूरी धोखा देने वाली, समझ ही नहीं सकते। अगर मैं आपसे ये बोलूं सन, अब पता नहीं कौन सा सन, एस यू एन भी हो सकता है, एस ओ एन भी हो सकता है, एस यू एन सूरज है, एस ओ एन बेटा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, प्रोनंसिएशन एक ही है सन, समझ ही नहीं सकते आप।